Hello everyone, this is Archita and you are watching the Pharmacopedia. So in this lecture, I'm going to discuss about the topic osmosis and osmotic pressure. I know that when I talk about the term osmosis, it's going to give you a sort of flashback regarding the things that you might have studied earlier in the lower classes. Because osmosis is as a topic that we all have studied it in the lower classes. So what's going to be important regarding this lecture? So in this lecture, we are going to consider the clinical applications very well, and also we'll be understanding the concept of osmosis and osmotic pressure very well. That is going to be in your head forever. So agar ab tak aapne channel ko subscribe nahi kiya, then consider subscribing to my channel Pharmacopedia. So the contents that we'll be seeing in this lecture is, firstly, we'll be understanding the osmosis with the help of an example, and then hum padhenge osmotic pressure ko. And then we'll be understanding the tonicity and its type. Then further we'll be seeing the osmotic gradient. Fir hum samjhenge reverse osmosis ke process ko. And then finally, the core of the lecture is the clinical application. So without any delay, let's get started. So when I talk about the term osmosis, so osmosis ka ek bahut chota sa definition jo hum like bahut hi lower classes se padhte hue aaye hain, that the movement of the solvent molecules across a semi-permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration in terms of solvent. ठीक है, तो अगर बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस को सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जब बात करते हैं ऑस्मोसिस की, देन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. की ऑस्मोसिस इज रिगार्डिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं? ऐसा मेम्ब्रेन जो क्या है, जो सेमी परमिएबल है या पार्शियली परमिएबल है, ठीक है, जिसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इजिली पास हो सकते हैं एंड नॉट दी सॉल्यूट. देन बात करते हैं अगर कंसेंट्रेशन की, तो अगर हम कंसेंट्रेशन को सॉल्वेंट के टर्म्स में देखेंगे, तो सॉल्वेंट के टर्म्स में जो मूवमेंट होगा, इट विल बी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन. बट अगर सॉल्यूट की बात करते हैं, सो सॉल्यूट के टर्म्स में क्या होता है मूवमेंट? From a region of lower concentration to a region of higher concentration. So ये दोनों parameters आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसमें students usually confused हो जाते हैं कि ये lower और higher concentration क्यों alter करता रहता है. ये solute और solvent की terms में अलग अलग है. अगर solvent आएगा तो movement जो solvent molecule का होगा, it will be from a region of higher to lower concentration. अगर solute molecules की बात में करेंगे, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा, इट विल बी फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन. बात एक ही है, बट उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है. जब बात करते हैं ऑस्मोसिस की, सो इट इज अ पैसिव मूवमेंट. इट मीन्स दैट कि इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है. देयरफॉर इट इज एनर्जी इंडिपेंडेंट, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ पैसिव मूवमेंट. जब बात करते हैं वर्ड ऑस्मोसिस की, सो इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑस्मोस, जिसका मीनिंग होता है टू पुश और टू पुश अप द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. ओके, अब हम समझेंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके, सपोज यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक कंटेनर है, एंड वी हैव डिवाइडेड दिस कंटेनर इनटू टू कंपार्टमेंट्स, दैट इज कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी. सिमिलरली ओवर हियर वी हैव द कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी. ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. इट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, सो कंपार्टमेंट ए और बी में क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं. अब हम क्या करेंगे, इस कंपार्टमेंट में हमने क्या कर दिया, हमने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया. ये सॉल्यूट किसी के भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड कर दिए, एंड देन कंपार्टमेंट बी में भी हमने क्या किया, हमने कुछ मॉलिक्यूल्स इन एक्सेस एड अप कर दिया इन कंपार्टमेंट बी. अब जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होगा, आपके गेस से कहाँ, किस तरफ से किस तरफ होगा, लाइक फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, इट विल बी फ्रॉम अ रीजन ऑफ कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी. एज अ लेवल, जो सॉल्वेंट का जो लेवल होगा कंपार्टमेंट बी में, इट विल बी राइज्ड अप. Okay, so as a result, what we actually have is the level of solvent in compartment B will be raised up due to the process of osmosis. So we'll be adding the solute over here also. मतलब कि ये जो दोनों प्रोसेस है, ये सेम है, बस ये आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस का रिप्रेजेंटेशन है. ओके, सो जो मेरा मेन टारगेट या एम है इस
चीज़ को एक्सप्लेन करने का वो ये है कि हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, यहाँ के पे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ पे होगा? इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट इट विल बी फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। एज अ रिजल्ट सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी, एंड जिसकी वजह से जो कंपार्टमेंट बी है उसमें सॉल्वेंट का जो लेवल होगा इट विल बी राइज्ड अप। सो दिस इज जस्ट टू डेमोंस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोसिस के बारे में आई गेस कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे वो प्रोसेस होता है। जब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, सो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है? सो एक्सेस प्रेशर, जो आप एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपली अगर आपको डिफाइन करना है ऑस्मोटिक प्रेशर को, सो जो भी प्रेशर आप एक्सर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इसको हम समझते हैं इसी एक्सपेरिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल इन कंपार्टमेंट बी, जैसे कि अब ये ऑस्मोसिस तो हो चुका है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी ऑस्मोसिस हो चुका है। अब अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के को हमें समझना है तो हम क्या करेंगे, हम कंपार्टमेंट बी पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कंपार्टमेंट बी में, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाता है। इट मीन्स कि अब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ए से बी की तरफ नहीं जा सकता है क्योंकि बी पे कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। सो उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज द प्रेशर विच इज बीन एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है दैट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं सोल्यूशन पे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन टू द सोल्यूशन विच इज बीन सेपरेटेड बाई अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जितना ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। Now we'll be understanding the osmotic gradient. But osmotic gradient, gradient word से हम क्या समझते हैं? Gradient words का word का मतलब होता है difference. यानी किसी भी चीज में जो difference आता है वो gradient से। Physics में हम commonly gradient word बहुत ज्यादा use करते हैं। For example, electric gradients हो गया, या current का gradient हो गया, voltage का gradient हो गया, जिसको हम potential difference, just a thing to make you understand about the osmotic gradient. सो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है? आपके पास में कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, ठीक है, तो उस विच इज बीन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उन दोनों कंटेनर के बीच में जो कंसेंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है दैट इज बीन टर्म्ड एज अ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। सो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है? डिफरेंस है कंसेंट्रेशन का बिटवीन द टू सॉल्यूशंस दैट इज बीन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे दो पैरामीटर्स आते हैं विच इज द ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैलिटी। कहने को तो ये बहुत छोटा पैरामीटर है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन, बट इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आपको जो एक चीज याद रखनी है दैट मोलैरिटी मीन्स मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी में आता है केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी में आता है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सो ऑस्मोलैरिटी मीन्स क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज बीन एक्सर्टेड बाय नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ऑस्मोलैलिटी का मतलब होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज बीन एक्सर्टेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज द टू पैरामीटर्स दैट इज बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी of the osmotic in terms of osmotic pressure. Moving ahead to the colloidal osmotic pressure. Ab ye colloidal osmotic pressure kya hota hai? So osmotic pressure that is being provided by non-diffusible colloidal particles. Jaise ki kya hote hain, kuch colloidal particles hote hain in terms of proteins. For example, it is albumin. Albumin kya hai? It is non-diffusible or it cannot be diffused. So osmotic gradient which is being provided by such non-diffusible colloidal particles is often known as oncotic pressure. Let me write it down. It is known as oncotic pressure. So oncotic pressure, agar aapse koi puche ki kya hota hai, it is the osmotic pressure which is being exerted by the colloidal particles, and it is responsible to maintain the intracellular and the intravascular fluid
कंपार्टमेंट्स. सो इसमें जो टर्म आपको याद रखना है विच इज द ऑन्कोटिक प्रेशर. टॉकिंग अबाउट द टोनिसिटी, कि टोनिसिटी क्या होता है. सो टोनिसिटी इज नथिंग बट इट इज सच अ पैरामीटर विच डिसाइड्स कि सेल गेन करेगा या लूज करेगा अपने सॉल्वेंट कंटेंट को. फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेल है, अब सेल का एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैसा है, यानी कि सेल का एक्सटर्नल एनवायरमेंट हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, उसके बेसिस पे क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि वेदर जो सेल है वो स्वेल अप करेगा या वो श्रिंक अप करेगा. इट इज डिसाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ टोनिसिटी. सो टोनिसिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो फर्स्टली क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज लाइक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो वो क्या करता है, इट इज लाइक परमिएबल फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बट वो कुछ सॉल्यूट्स के लिए क्या है, इम्परमिएबल भी होते हैं. सो जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो रिटेन्ड रह जाते हैं, दैट एक्सर्ट्स अप द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट डिसाइड्स द टोनिसिटी. ओके, सो द फ्रैक्शन ऑफ सच टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज टोनिसिटी. सो जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो रिटेन्ड रह जाते हैं और विच इज लाइक इम्परमिएबल टू द मेम्ब्रेन, दैट हैज इट्स ओन एक्शन ऑफ एक्सर्टिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दैट इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोनिसिटी. सो टोनिसिटी को हम बेसिकली तीन पैरामीटर्स में डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द आइसोटोनिक, द सेकेंड इज द हाइपोटोनिक एंड द हाइपोटोनिक. टॉकिंग अबाउट द आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिसिटी क्या होता है, आइसोटोनिक इज लाइक कि अगर आपके पास में दो सोल्यूशन है, If both solutions are separated by a semi-permeable membrane, आपको semi-permeable membrane terms use करना ही पड़ेगा because osmosis is expressed in this term only. ठीक है, जब दो solutions एक के concentration same होते हैं, so क्या होगा, कोई भी net flow नहीं होगा, solvent molecules कोई भी net flow नहीं होगा. So in that cases the solutions will be termed as isotonic. For example, आपके पास में एक container है, it has been separated by a सॉल्वेंट बाई सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, एंड देन इसमें क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है और दोनों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के जो कंसेंट्रेशन है इट इज सेम. इसमें भी इसका कंसेंट्रेशन और बी का कंसेंट्रेशन बिल्कुल सेम है. सो इसमें क्या होगा, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो पाएगा और इक्विलिब्रियम इज बीन एस्टैब्लिश्ड. सो इन दैट केस द सॉल्यूशन विल बी टर्म्ड एज आइसोटोनिक. सो इस केस में ना ही सेल स्वेल अप होगा ना ही सेल श्रिंक अप होगा. जैसे कि अगर हम कोई भी आईवी फ्लूइड्स देते हैं, तो इन दैट केसेस इट शुड बी आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड्स. या ऑप्थेलमिक सॉल्यूशंस बनाते हैं, इन दैट केसेस आल्सो द फ्लूइड शुड बी द आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे 0.9% NaCl वेट बाय वॉल्यूम, NaCl शुड बी आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड्स, एंड 5% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज इज आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, तो अगर हम कोई भी प्रिपरेशंस बनाने, फॉर एग्जांपल 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl एंड 5% ग्लूकोज इज आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड्स. सो इन दैट केसेस क्या होगा, सेल जो होगा इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसमें कोई भी प्रॉब्लम या हेमोलिसिस नहीं हो सकता है. ठीक है, एंड देयरफॉर इट कैन बी गिवन सेफली इन टर्म्स ऑफ डिहाइड्रेशन और इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ बर्न्स और इन द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. यस, टॉकिंग अबाउट दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस अगर आप सेल को किसी भी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूट के टर्म्स में यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर वो हाइपोटोनिक होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू क्या होगा कि जो सॉल्यूट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे. एज अ रिजल्ट जो सेल है इट विल बी लाइक इट विल स्वेल अप. एंड ऑल्सो जब कोई भी चीज मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सेल है, ठीक है, अब सेल की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इट इज लाइक हाइपोटोनिक, सो वाटर विल बी गोइंग इनसाइड द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, वाटर इनसाइड द सेल जाएगा. एज अ रिजल्ट जो सेल होगा इट विल बी स्वेल्ड अप, एंड एज अ रिजल्ट जो सेल है इट विल बी टर्म्ड एज टर्जिड. So in that cases hemolysis can also occur in terms of RBC. Okay, so hypotonic solution ke case mein jo aapko yaad rakhna hai, in that cases the cell will actually swell up. Now the third thing which is to be understood is the hypertonic solution. So agar aapne cell ko agar kisi hypertonic solution mein rakha hai to kya hoga. For example yahan pe jo outside environment hai ya tonicity hai it is like hypertonic. Theek hai, to in that case what actually happens is ki jo सेल है इट विल श्रिंक अप, बिकॉज सेल से
कि जो वाटर कंटेंट है या सॉल्वेंट कंटेंट है वो सेल से बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएंगे. क्यों? क्योंकि बिकॉज बाहर का जो एनवायरनमेंट इट इज हाइपरटॉनिक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. सो जिसकी वजह से जो सेल है इट विल बी लाइक इट विल बी श्रिंक्ड अप. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्रीनेशन. सो दिस इज द थ्री पैरामीटर्स विच इज टू बी अंडरस्टूड. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में तीन कंपार्टमेंट्स हैं, और जहाँ पे सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट वन इज द आइसोटॉनिक, एंड देन वील बी अंडरस्टैंडिंग द हाइपोटॉनिक, एंड देन थर्ड वन विल वी हियर हैव द हाइपरटॉनिक कंपार्टमेंट. कि तीनों में हम डिफरेंसेस देखेंगे कि आइसोटॉनिक, हाइपोटॉनिक एंड हाइपरटॉनिक में क्या एक्चुअली में डिफरेंसेस है. सबसे पहले अगर हम देखेंगे आइसोटॉनिक को, आइसोटॉनिक कंपार्टमेंट में क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट इसका क्या आइसोटॉनिक है. इन दैट केसेस कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा और इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सेल एंड द आउटसाइड एनवायरमेंट, जिसकी वजह से ना ही सेल स्वेलअप करेगा ना ही सेल श्रिंक करेगा. बट अगर हम बात करते हैं हाइपोटॉनिक की, सो हाइपोटॉनिक के केस में क्या हो जाएगा, ये जो सेल है इट विल बी स्वेल्ड अप बिकॉज क्योंकि आउटसाइड एनवायरमेंट हाइपोटॉनिक है. तो इन दैट केसेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इट विल कम इनसाइड द सेल और इट विल लीड द सेल टू स्वेल अप एंड विच कैन ऑल्सो इवन लीड टू द बर्स्टिंग अप ऑफ द सेल. बट अगर बात करते हैं हाइपोटॉनिक सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, सो हाइपोटॉनिक सोल्यूशन के केस में क्या होता है, द सेल एक्चुअली गेट श्रिंक्ड अप बिकॉज जितने भी सॉल्वेंट कंटेंट है इट एक्चुअली मूव्स आउट ऑफ द सेल. So this is the representation that actually distinguishes between the three tonicity parameters. Now we'll be seeing the process of reverse osmosis. So reverse osmosis, naam se pata chalta hai, osmosis process ka jo reverse ho, uska just ulta ho, jo process hota hai, it is termed as reverse osmosis. Reverse osmosis ko hum samajhte hain with the help of an example. Suppose yahan pe humare paas mein kya hai, हमने ले लिया यहाँ पर एक कंटेनर, यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया एंड दिस कंटेनर इज बीन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. अब हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को फिल अप कर दिया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को हमने फिल अप कर दिया. जब बात करते हैं हम लोग इसकी कंसेंट्रेशन की, सो कंसेंट्रेशन हमने सबसे फिर हमने इसके अंदर क्या किया, कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को एड अप कर दिया, कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया, एड अप कर दिया विथ एक्सेस इन द बी कंपार्टमेंट. सो कंसेंट्रेशन क्या होगा, बी कंपार्टमेंट का ज्यादा हो जाएगा. तो जो मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का वो कहां से कहां, किस से किसकी तरफ होगा, इट विल बी ऑब्वियसली फ्रॉम ए टू बी. ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. बट रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, जो एक्सेस प्रेशर दैट इज बीन एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू ओपोज द फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम कंपार्टमेंट बी टू कंपार्टमेंट ए. जैसे कि नॉर्मल ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है, इन दैट केसेस क्या होगा, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा इट विल बी फ्रॉम ए टू बी. बट रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में क्या होगा, जस्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. इस केस में क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इट इवन एक्सीड्स द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वाटर का जो मूवमेंट होगा या सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा इट विल एक्चुअली अकर फ्रॉम बी टू ए. बी टू ए की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ए कंपार्टमेंट है यहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है, इट विल बी फ्रॉम बी टू ए. ओके, सो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि एक्चुअली में जो ऑस्मोसिस प्रोसेस का जो रिवर्स होता है इट विल बी टर्म्ड एज ऑस्मोसिस. और ये क्यों होता है, जस्ट ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर दैट इज बीन अप्लाइड इन द कंपार्टमेंट बी दैट एक्सीड्स ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर. सो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है दैट जो रिवर्स ऑस्मोसिस है इट इज बेसिकली सेपरेशन प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं, हम एक्सेस ऑफ प्रेशर को अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू फोर्स सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या हो जाएगा कि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है इट विल बी रिटेन्ड ऑन वन साइड और जो प्योर सॉल्वेंट है इट पासिस टू द अदर साइड. जो प्योर सॉल्वेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमें
अगर वाटर का प्योरिफिकेशन करना है, जैसे कि हम हमारे घर में जो प्योरीफायर्स होते हैं, वाटर प्योरीफायर्स होते हैं, उसमें वो आरओ सिस्टम होता है। आरओ इसमें क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस होता है, जिसमें जिसमें कि मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर इज बीन एक्सर्टेड मोर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो जो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो एक तरफ रिटेन्ड हो जाएंगी, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जो जो प्योर वाटर है वो हमें मिल जाएगा, ये प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट है वो हमें मिल जाएगा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑफ एक्सेस ऑफ द प्रेशर दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड टू यू ओवर हियर. Now we'll be considering certain questions regarding the process of osmosis, जिससे कि हम clearly understand कर सकते हैं process of osmosis को. For example, अगर हमने लिया एक container जिसको हमने separate किया एक semi permeable membrane से, इसके अंदर हमने डाला 100 ml distilled water, 100 ml solvent, और या solvent यहाँ पर हमने 100 ml solvent रख लिया, ठीक है. अब हमने इसके अंदर one molar ग्लूकोज डाल दिया और यहाँ पे हमने 2 molar ग्लूकोज डाला, तो जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा इट विल बी फ्रॉम विच कंपार्टमेंट, फ्रॉम ए टू बी होगा या फिर बी टू ए होगा. थिंक अबाउट दिस गाइस, ऑब्वियसली इट विल बी फ्रॉम अ रीजन ऑफ फ्रॉम द कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी, बिकॉज जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा इट विल बी फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट. बट अगर बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि हमारे पास में एक कंटेनर है जो विच इज बीन सेपरेटेड बाई अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर हमने डाला है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में हमने एड अप किया 1 molar ग्लूकोज एंड देन ऑल्सो वी एड अप 1 molar NaCl. सो अब आप मुझे बताइए कि जो नेट मूवमेंट होगा वो ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ होगा. इट इज गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. Okay, so think upon it. So let me tell you what actually happens is ki jo NaCl hai, it's like ionizable. Ye kya hai? Ionizable hai. So water mein kya hoga ya solvent molecules mein kya hoga? It will be broken upon to Na plus and Cl minus. So it's like an ionizable thing. So yahan pe jo total Na plus and 1 molar of Na plus ho jayega aur 1 molar of Cl minus ho jayega. Jiski wajah se jo compartment B hai uska concentration kya hoga? Zyada ho jayega. As compared to compartment A, जहाँ पे सिर्फ 1 molar glucose है, क्योंकि glucose क्या है, वो non-ionizable है, but NaCl चूंकि ionizable है, so ये ionize होके जो concentration होता है, उसको double up कर देता है than that of the glucose. As a result, जो net movement होगा water molecules का, it will be from A to B. So this actually explains you कि कैसे concentration vary करता है in terms of ionizable and non-ionizable things. So this is just to explain you the concept of of osmosis, of the process of osmosis. Yes. Now we'll be understanding the clinical applications. So clinical application में first thing है is to maintain the fluid balance. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है कि body में क्या है, different compartments हैं. So different compartments की जो fluid volume है, it is being maintained by the process of osmosis. जब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स को अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रख गया, इन दैट केसेस क्या होगा, आरबीसी स्वेल अप कर जाएगी एंड इट विल अल्टीमेटली बर्स्ट अप. अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, सो इट विल बी श्रिंक्ड अप. ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है दैट इन व्हेन द कंसंट्रेशन इज लाइक हाइपोटोनिक, हेमोलिसिस विल अकर. अब यहाँ पे एक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी परफॉर्म होती है, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट. अब अगर इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी किस कंडीशन में ऑब्जर्व किया जाता है, सो इट इज बीन ऑब्जर्व इन द पेशेंट विद हेमोलिटिक जॉइंटस एंड ऑल्सो इट इज डिक्रीज्ड इन अनिमिक पेशेंट्स. सो अगर बात करते हैं कि अगर आरबीसी की फ्रेजिलिटी कब इंक्रीज्ड अप हो जाती है, सो इट विल बी इंक्रीज इन द पेशेंट्स विद हेमोलिटिक जॉइंटस, जहाँ पे हेमोलिसिस हो जाता है, एंड अनिमिया के केस में क्या है, इट इज लाइक डिक्रीज्ड अप. व्हेन आई टॉक अबाउट द ट्रांसफ्यूजन, सो अगर हम ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे, सो इन द पेशेंट्स विद डिहाइड्रेशन, जिसमें डिहाइड्रेशन या बर्न का कोई पेशेंट है, सो इन दैट केसेस क्या हो जाएगा, हमको फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करना है या बॉडी फ्लूइड्स को क्या करना है, इंक्रीज अप करना है इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. सो इन दैट केसेस द एक्सटर्नल बॉडी फ्लूइड्स, फॉर एग्जाम्पल 5% ग्लूकोज और 0.9% NaCl इज बीन गिवन अप एंड दैट इंक्रीज अप ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस.
देन हम देखते हैं एक्शन ऑफ परगेटिव्स. तो परगेटिव्स क्या होता है, दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द स्टूल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट एक्चुअली मेक्स द पैसेज ऑफ स्टूल इजिली आउट ऑफ द बॉडी. एंड ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए परगेटिव्स दिए जाते हैं. सो परगेटिव्स क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स द इट मेक्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू मेक द स्टूल हैवियर, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इट इज बीन लाइक रिड्यूस्ड अप. सो इट इज लाइक द एक्शन ऑफ परगेटिव्स ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द ऑस्मोटिक परगेटिव्स. द सेवेंथ वन इज द ऑस्मोटिक डायूरेसिस. जैसे कि क्या होता है, इट इज लाइक कॉमनली सीन इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. जैसे ऐसे पेशेंट जिसमें क्या है, पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, इन दैट केसेस क्या होता है, पॉली यूरिया हो जाता है और एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाता है. क्यों, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द एक्सेस ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी. सो जो ऑस्मोटिक डायूरेसिस है, इट इज बेस्ड अपॉन द कंडीशन ऑफ पॉली यूरिया इन द पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस. जैसे कि क्या होगा कि अगर ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, सो अगर ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, डायूरेसिस का प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, एक्सेस ग्लूकोज को या सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से क्या करेगी, एलिमिनेट करना चाहेगी इन ऑर्डर टू लाइक मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज. द एट्थ कंडीशन इज द एडिमा. जैसे कि पेशेंट्स विद क्वाश्योरकर, ऐसे पेशेंट जिसमें क्वाश्योरकर है, विच इज द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन्स, और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का जो केस आता है, उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा में अगर आप देखेंगे तो एल्ब्यूमिन या प्रोटीन्स की या कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होता है. जैसे क्वाश्योरकर का जो पेशेंट होता है, उसमें क्या है, उसके प्लाज्मा में आप देखेंगे कि जो एल्ब्यूमिन है उसकी कमी हो जाती है, दैट इज इन दैट केस हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दैट रिजल्ट्स इन द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, दैट रिजल्ट्स इन द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द टिश्यू स्पेसेस, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. जैसे कि क्या होता है, सर्टेन केसेस, जैसे कि क्वाश्योरकर का केस हो गया या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का केस हो गया, इस केस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और रिड्यूस्ड एल्ब्यूमिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोलॉइडल और ऑनकोटिक प्रेशर इज ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड अप, जिसकी वजह से हो जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, दैट रिजल्ट्स इन द एडिमा. ऑल्सो सेरिब्रल एडिमा has been treated up with the process of osmosis. Now the ninth one is the irrigation of wounds, or wounds ko hum isotonic solution se washed up karte hain. Now the tenth is the application of reverse osmosis. Ki reverse osmosis basically is employed in order to get the drinking water from sea water. Jaise ki kya karte hain ki agar humko pure water chahiye, so hum excess of pressure apply करते हैं, that which exceeds of the osmotic pressure, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि solute molecules जो एक side में retained हो जाएंगी और हमें pure water क्या हो जाएगा, मिल जाएगा. Okay, so this was regarding the process of osmosis and osmotic pressure. I hope that this lecture is clear to you guys. In case of any queries, do let me know in the comment section below. I hope that I am able to clear this topic to you guys. फिर भी अगर कोई queries रह जाता है, make sure that you ask me in the comment section below. And yes, thank you so much for watching this video. Milte hain next video mein. Till then, keep studying and take care.